नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और गोल्ड और सिल्वर में एक रेंज का ट्रेड ही आज दिखा है पूरे दिन, और मार्केट बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में अभी दिख नहीं रहा है। गोल्ड में 36 रुपये की तेज़ी है, चांदी में 40 रुपये के आसपास की गिरावट है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आप देखिए गोल्ड करीब $10 नीचे है और चांदी में मामूली गिरावट दिख रही है। सवाल यह है कि यहाँ से आगे की चाल होगी क्या। हमारे साथ रवि दियोरा है कुंवर जी के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड को लेकर जितनी भी खबरें थी वो आ चुकी हैं, अमेरिका में दरें बढ़ गई, डॉलर स्ट्रांग हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, उस पर मार्केट ने रिएक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से चाल आगे की क्या होगी? जरूर सर, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जुलाई मिड तक के जो इवेंट्स थे उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे वो अभी खत्म हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक प्राइस कंसोलिडेशन रहेगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स पे ज्यादा गोल्ड का फोकस है एंड डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि फैक्टर काफी मिक्स है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को, साथ में अनसर्टनिटीज आउटलुक को लेके इकोनॉमिक वो भी एक उसके लिए पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है एक दायरे का ट्रेड रह सकता है। अगर किसी को कोई स्ट्रेटेजी बना नहीं इंट्राडे के लिए तो सेलोन राइस का स्ट्रेटेजी वहां पे एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। 51,180 के करीब वहां पे सेल करके चलना चाहिए, 51,300 का स्टॉप लॉस, डाउनसाइड एक सीमित दायरे में कारोबार है, तो 50,800 के करीब अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे मुनाफा वसूल कर ले। अच्छा, चांदी पर आपका व्यू क्या है? सिल्वर का मार्केट दबाव में है, आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो चांदी में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जरूर से सोने से ज्यादा चांदी में कन्विक्शन सेलिंग साइड ज्यादा है, क्योंकि बेस मेटल्स में भी फिर से करेक्शन आ चुका है और डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो मुझे लग रहा है चांदी में सेल करके चले और लेवल स्पेसिफिक 61,690 के करीब सेल करे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट को। 61,000 तक के लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा, 61,980 तक का स्टॉप लॉस आप लगाए। धीरे धीरे वॉलिटिलिटी कम होगी जैसे इवेंट पास हो रहे, बट मुझे लग रहा है एक सीमित दायरे का कारोबार है, बट सेल करके वहां भी चलना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में देखिए हुआ क्या है, एक तरफ डिमांड घटने की आशंका है, दूसरी तरफ सप्लाई घटने की आशंका है, और दोनों खबरों पर मार्केट अलग अलग वक्त में रिएक्ट करता है। कल पहले क्रूड का भाव नीचे आया कल शाम को, इस डर से कि अमेरिका में डिमांड घट जाएगी, वहाँ पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, चाइना में कंसर्न है ही, तो और दरें बढ़ चुकी हैं यूएस में, इन तमाम खबरों से कल क्रूड का मार्केट गिरने लगा था। और जैसे ही 117 के नीचे आया क्रूड, उसके बाद एक खबर आ गई कि अमेरिका ईरान पर नए तरह के प्रतिबंध लगाएगा, और उसके बाद क्रूड का मार्केट वहां से रिकवर हुआ और करीब करीब $3 की रिकवरी कल दिखी। लेकिन आज शुरुआती दौर में ये रिकवरी फिर खत्म हो गई, फिर मार्केट नीचे आया, अभी एक बार फिर से कच्चा तेल ऊपर है करीब करीब 1%, तो बहुत ज्यादा उठापटक है। दियोरा जी, क्या करना चाहिए क्रूड में? आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वहां पे वैसे देखे तो कोई स्टॉप लॉस कोई टारगेट वर्क नहीं कर रहे, प्राइसेस न्यूज ड्रिवन हो चुके हैं एंड काफी वोलेटाइल है, बुल बेयर के बिटवीन अच्छी फाइट चल रहे, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि वहां पे सप्लाई का कंसर्न से थोड़ा बहुत हावी है, जिस हिसाब से रशिया की सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है यूरोपियन रीजन में, और अभी न्यूज पे आ रहा है कि नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो भी 50% इटली एंड जर्मनी में उन्होंने कर दिए, एंड कल जो उसकी विजिट थी यूक्रेन की, यू में भी ये मेंबरशिप के लिए आज प्रपोजल गया है यूक्रेन का, तो आई थिंक ये जो सारे कंसर्न है तो सप्लाई रिलेटेड कंसर्न आगे जाके खड़े हो गए। अगर कोई नया ट्रेड लेना है मुझे लग रहा है कि खरीद का ट्रेड लेना चाहिए, वहां पे 9050 के करीब बाय करके चलना है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 9000 के बिलो एक स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि जो दोपहर न्यूज आए रशिया की ओर से और उसके एनर्जी मिनिस्टर की जो कमेंट्स थी वो थोड़ी बहुत बुलिश है, एंड 9200 के एक लिमिटेड टारगेट के लिए क्रूड में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना। ठीक है, अब बात मेटल की, और मेटल में दबाव है और पूरे मेटल मार्केट में हमने देखा है कि काफ़ी गिरावट आई है। आज भी मार्केट दबाव में है क्योंकि मेटल में भी मंदी का डर दिख रहा है, डिमांड घटने की आशंका दिख रही है, और एलएमई पर एल्युमिनियम का भाव 11 महीने और निकेल का भाव 3.5 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया। कॉपर अमेरिकन फ्यूचर मार्केट में 10 महीने के निचले स्तर पर चला गया, तो यहाँ पर भी एक कंसर्न है डिमांड की। तो ऐसे में मेटल में कोई ट्रेड आज के लिए रवि जी? जरूर से, मेटल्स में क्लियर वीकनेस है और लगातार जो पहले इन्वेंटरीज का एंड सप्लाई का कंसर्न था वो अभी वाइप आउट हो चुका है, एंड मार्केट अभी मेटल्स में डिमांड को ज्यादा फोकस कर रहा है, और डिमांड धीरे धीरे
वाइप आउट हो रहे, क्योंकि जिस हिसाब से सेंट्रल बैंकर्स के अब कमेंट सुने तो सारा का फोकस इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को वो लोग इन्फ्लेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तब जब ग्रोथ कम होगा तब बेस मेटल की डिमांड खत्म होगी, तो मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ा करेक्टिव मूव जारी रह सकता है। कॉपर में 750 के करीब सेल करके चलना चाहिए, 736 का स्टॉप लॉस और 757 तक के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे ट्रेड लेना है। दूसरा कमोडिटी रहेगा जिंक, सिंक में भी लगातार वीकनेस है और चाइना के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड होम सेल्स में जो गिरावट आई है तो सिंक के भी डिमांड हर्ट हो सकते हैं। सिंक में सेल करें 316 के करीब, 310 का टारगेट मैंने रिकमेंड किया और 320 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। तो बेस मेटल पैक में जिंक एंड कॉपर में मुझे वीकनेस ज्यादा दिख रही है। ठीक है, अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में कोरिएंडर, धनिया, यहाँ पर क्या ट्रेड आपको दिख रहा है? धनिया में लगातार एक सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, 11,220 के करीब एक सपोर्ट है। धनिया लगातार इस सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है और दो दिन से यही, आज भी यही ट्रेंड हमने देखा गया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए 11,720 के टारगेट के लिए बाय करके चलना है, 11,220 का स्टॉप लॉस। तो मेरा खरीद की सलाह रहेगी धनिया ये प्राइस से, बट एक से दो ट्रेडिंग सेशन का आपका व्यू होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कॉटन सीड ऑयल केक पर आपका व्यू, यहाँ पर क्या करना चाहिए? कपास खली में, कपास खली में वीकनेस प्रिवेल है क्योंकि वहां पे सीजनलिटी के हिसाब से डिमांड के काफी बड़े कंसर्न है और अभी जिस हिसाब से अगर मॉनसून ऑन टाइम भी नहीं हुआ फिर भी मुझे लग रहा है कि फार्मर का प्रायोरिटी पहले कॉटन रहेगा क्योंकि वहां पे मीन्स की प्राइसेस अच्छे मिले, रियलाइजेशन अच्छा हुआ तो वहां पे मुझे लग रहा है कि सोइंग के जैसे ही न्यूज आएंगे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर कपास एंड कपास खले में देखने को मिलेगा। 2740 के लिए मेरे सेल के सलाह है कपास खले में, 2825 का एक स्टॉप लॉस लगाए। अगर 2740 ब्रेच होता है तो 2700 तक के भी एक्सटेंडेड टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ओके अच्छा ग्वार का मार्केट अभी आपको कैसा दिख रहा है? ग्वार में लगातार दबाव बना हुआ है, क्या ये दबाव और बढ़ सकता है या आपको लगता है कि मार्केट अब बॉटम आउट हो गया है, बाइंग शुरू करनी चाहिए? जरूर से मुझे बॉटम आउट दिख रहा है, वहां बाइंग का अच्छा एक मौका मुझे ग्वार सीड में दिख रहा है क्योंकि वैसे देखे तो क्रूड का एक सेंटिमेंट भी पॉजिटिव, हालांकि कोरिलेशन नहीं रहा अभी क्रूड एंड गुआर में, बट मुझे लग रहा है कि ये जो प्रायोरिटी पहले ऐसा था कि जो थोड़े बहुत नहरों वाले पानी से इसका सोइंग होगा, बट अभी ऐसा डेटा जैसे निकल के आ रहा है काफी बॉय पिछली है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बेस बन रहा है 5,500 के करीब। तो ये स्टॉप लॉस के साथ गुआर सीड में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, 5,750 तक के लेवल आपको गुआर सीड में दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी ग्वार पर है कि ग्वार में अभी आपको क्या करना है। अच्छा इसके अलावा ओवरऑल मसालों पर आपका व्यू, कोरिएंडर पर आपने बताया बाइंग करनी चाहिए लेकिन जीरा टर्मरिक यहाँ पर क्या करना चाहिए? मेरा व्यू जीरा में पॉजिटिव है, जीरा जिस हिसाब से थोड़ा बहुत अभी डिमांड के कंसर्न्स बने थे और इस हिसाब से थोड़ा 21,000 के करीब प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट डाउनसाइड 20,700 का एक अच्छा बेस है, सप्लाई के रिलेटेड डेफिनेटली कंसर्न है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी वहां पे दिखनी चाहिए। जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू है वो ये लेवल पे भी बाई कर सकते हैं 21,000 के करीब, डाउनसाइड 20,700 का स्टॉप लॉस लग के चले, 21,800 तक के टारगेट आपको 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो मेरा व्यू शॉर्ट कवरिंग के लिए जीरा में आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आप कह रहे हैं कि जीरे में बाइंग करके चलना ठीक रहेगा, इस पर आप नजर रखें। अच्छा नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या अभी एनजी में? नेचुरल गैस थोड़ा वॉलेटाइल है तो रिस्की ट्रेडर है वही ट्रेड ले, बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में का व्यू पॉजिटिव है क्योंकि वहां पे जो मैंने न्यूज हाईलाइट किए कि लगातार रशिया है वो यूरोप की ओर अपना सप्लाई कम कर रहा है और अभी जिस हिसाब से 75% नेचुरल गैस एंड क्रूड अभी आ रहा है यूरोप में यूएस की ओर से, तो वहां भी अगर सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स खत्म आगे जाके निकल के आए और टैक्सेशन गवर्नमेंट ने लेविट किया तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का व्यू देखना चाहिए। 580 के करीब बाय का ट्रेड लेना है, 572 का स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग तक आपको 595 एंड शॉर्ट टर्म में 620 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी नेचुरल गैस के ऊपर और इस वक्त आप देखिए करीब करीब 5 रुपए की तेजी है, 585 रुपए के ऊपर MCX पर नेचुरल गैस में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है ये, बहुत हमने देखा है कि इसमें उतार चढ़ाव हुआ है, तो आप जो भी ट्रेड लें नेचुरल गैस में काफ़ी सावधानी से लें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो ये तो बात हुई इसकी, लेकिन एक खबर आपको और बताते हैं और खबर ये है कि आज खबर आई है रॉयटर्स के हवाले से
कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुगर एक्सपोर्ट पर लिमिट संभव है और ये लिमिट 60 से 70 लाख टन की लगाई जा सकती है। मतलब 60 से 70 लाख टन ही एक्सपोर्ट चीनी मिलें कर सकती हैं अगर ये लिमिट यहाँ पर लगती है तो। हालांकि इसमें इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने 80 लाख टन एक्सपोर्ट की मांग की थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि 60 से 70 लाख टन की लिमिट संभव है। इस सीजन के लिए सरकार ने 1 करोड़ टन की लिमिट तय की है। हाल ही में चीनी मिलों की मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, जहां पर यह कहा गया था कि एक्सपोर्ट को लेकर कुछ ढील दी जाए और नए सीजन के लिए 80 लाख टन की डिमांड इस्मा की तरफ से रखी गई थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 60 से 70 लाख टन की लिमिट तय हो सकती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। इस पर अगर आगे कुछ और अपडेट आएगा तो ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ताज़ा खबर यही है और रोटर्स के हवाले से कि 60 से 70 लाख टन यहाँ पर लिमिट तय हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।